पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी को लेकर जुमे की नमाज के बाद शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी और आगजनी की, इसमें छोटे छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल किया गया है। पत्थरबाजी में पुलिस के कुछ जवानों के घायल होने की खबर है। बवाल के दौरान कई वाहन भी जला दिए गए। हालांकि समय रहते हुए पुलिस ने हालातों को काबू में कर लिया है। नमाज सब कुशल अदा हुई है और हम सारे लोग और हमारा काफ़ी सारा फोर्स भी अटाला क्षेत्र में था, तो नमाज अदा होने के बाद कुछ लड़के इकट्ठा होना शुरू हुए। यहाँ पर बहुत सारी गलियाँ हैं, इकट्ठा होना शुरू हुआ और उसके बाद पहले हल्ला गुल्ला करने के बाद कुछ लड़कों ने शरारत शुरू किया और हल्का सा पथराव शुरू किया। थाना खुल्दाबाद करेली, इनका बॉर्डर लगता है, आईडी नीचे का भाई। इस इलाके में नमाज सकुशल अता हो चुकी थी, सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। करीब 2 बजे का टाइम था, क्योंकि इन सभी के घर भी यहीं हैं, एक बहुत बड़ा इलाका है। उसके बाद कुछ नई उम्र के लड़के गलियों में आए, उनको समझाने का प्रयास किया गया। उनमें से कुछ लोगों ने ईंट पत्थर चलाए, जिसके जवाब में पुलिस ने काफ़ी देर तक समझाया बुझाया। डीएम साहब भी मौजूद थे, हम मौजूद थे और अधिकारी मौजूद थे यहाँ पे। समझाने बुझाने के बाद भी जब वो नहीं माने, बहुत छोटे छोटे नाबालिग लोग भी थे, उसमें बड़े लोग भी थे, शामिल थे। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सभी लोगों को अपने अपने घरों को रुखसत किया, सभी लोग वापस चले गए। लेकिन उसके बाद भी, चूँकि काफ़ी बहुल इलाका है, एक विशेष समुदाय का यहाँ पे, वो लोग गलियों में आते रहे और नारेबाजी वगैरह करते रहे। उनको लगातार पुलिस समझाती रही लाउड हेलर का प्रयोग करते हुए। उन्होंने ईंट पत्थर चलाए, हमारी पुलिस फोर्स मौजूद थी, काफ़ी धैर्य का परिचय दिया गया। हल्की फुल्की चोटें आई हैं कुछ पुलिसजनों को भी, और बाकी लोगों को हल्की चोटें हैं, कोई ज़्यादा चोट नहीं है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, परंतु लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है कि कुछ शरारती तत्व दोबारा से गलियों में आकर के नारेबाजी या ईंट पत्थर ना फेंकने लगे। प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद और हाथरस समेत कई जिलों में हुए बवाल को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। विभिन्न जिलों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एडीजी ने दावा किया है कि दंगाइयों ने हिंसा को भड़काने के लिए बच्चों को आगे कर दिया गया था। इनके पीछे से पत्थरबाजी की गई थी, बाद में बच्चों ने भी पत्थर चलाया। पीएसी वाहन, मोटरसाइकिल और गरीबों के रिक्शे को आग के हवाले कर दिया गया था। प्रशासनिक अधिकारियों के वाहन को तोड़फोड़ किया था। पथराव में एक आरएएफ कर्मचारी घायल हुआ है। स्थिति को काबू में करने के लिए आंसू गैस छोड़े गए, पत्थरबाजों पर लाठीचार्ज कर खदेड़ा गया। 4 घंटे के बाद स्थिति को काबू में कर लिया गया है। नमाज को लेकर जब धर्मगुरुओं से बातचीत की गई थी, तो उनकी ओर से आश्वासन दिया गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा की जाएगी। धर्मगुरुओं ने वादखिलाफी की है, वो भी शक के दायरे में है। सभी के खिलाफ जांच कर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नमाज समाप्ति के बाद में काफ़ी नौजवान इसमें अटाला के पास में वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। पहले से भी इसके लिए सूचना इंटेलिजेंस इनपुट भी था, तो उसके लिए ड्यूटियाँ लगाई हुई थी यहाँ पर, लेकिन उसमें छोटे छोटे बच्चों को आगे करके उन्होंने नारेबाजी और पथराव शुरू कर दिया। फिर यहाँ पीएसी और सिविल पुलिस की टुकड़ी ने उनको रोका और उसके बाद में कुछ लोगों को वहाँ पर बल प्रयोग भी करना पड़ा। जब लगातार पथराव हो रहा था, हमारे कुछ जवानों को चोटें आई हैं और उसके बाद लाठीचार्ज करके उनको खदेड़ दिया गया। अभी लगातार यहाँ पर मैजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है और सभी यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। जो उपद्रवी हैं उनकी फोटोग्राफी की गई है और जो भी मिल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। अभी ये एसेस किया जाएगा कि किस टीम ने कितने लोगों को पकड़ा है। इस क्षेत्र में पहले से यहाँ का इतिहास रहा है कि लोग इकट्ठा हो जाते हैं और भारी तत्व भी उसमें आके मिल जाते हैं। तो जो मस्जिद के आसपास जो लोग इकट्ठे थे, मदरसे के आसपास इकट्ठे थे और जिन घरों से पथराव हुआ उनको चिन्हित कर लिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और लगातार अभी सिचुएशन को नॉर्मल किया जा रहा है,
और वैसी अभी तक की जो स्थिति है वो सामान्य है। सर कितनी गाड़ियों पे आग लगाई गई है? कुछ पीएसी की गाड़ी भी है, पुलिस चौकी पीएसी की गाड़ी में एक जगह तोड़फोड़ की गई, उन्होंने आग लगा दी। मेरी गाड़ी पे भी पथराव किया था, बाकी जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उन पर पत्थर मारे हैं, कुछ के विंड स्क्रीन क्रैक कर गए हैं, तो इसके लिए ये सब डैमेज के लिए FIR कायम की जा रही है। और इन पर चोट की भी आई है, चोट की भी होने की सूचना पूछना आ रही है कि चोट भी कुछ लोगों को लगी है, किनको चोट लगी है? कुछ उसमें मीडिया के कर्मी थे जिनके हाथ में पैर में चोट लगी जब पथराव हुआ, और हमारे पुलिस के भी जवान हैं जिनके एक के यहाँ कनपट्टी पे चोट लग गई थी, और उसके बाद कुछ और के पैर में हाथ में लगा, तो सामान्य चोटें हैं, ऐसे कोई विशेष चोट नहीं है। लेकिन बड़ी बहादुरी से हमारे जवानों ने काम किया और सिचुएशन को कंट्रोल किया। इसके अलावा एम्बुलेंस पर भी पथराव कुछ लोगों ने किया है, वो लगातार छतों से और गलियों से पथराव कर रहे थे, तो उसमें कोई भी गाड़ी आ रही थी, आने जाने वाले लोग थे, कोई भी उसकी चपेट में आ जा रहा था। लेकिन अभी लगातार फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया, रात में भी फोर्स इसी तरह काम करती रहेगी, जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी चेकिंग की जाएगी, और जो शरारती तत्व हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। प्रयागराज के ADG प्रेम प्रकाश का कहना है कि जुमे की नमाज को लेकर सतर्कता बरती जा रही थी। पूर्व में धर्मगुरुओं के साथ हुई बैठक में भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन जुमे की नमाज के बाद अटाला इलाके में प्रदर्शन के नाम अगजनी और पत्थरबाजी की गई। जब पुलिस आगे आई तो प्रदर्शनकारियों ने बच्चों को आगे कर दिया गया। PAC वाहन में आगजनी की, कई वाहनों में तोड़फोड़ किया गया। पत्थरबाजी में RAF का जवान घायल हुआ है, तो DM SSP को पत्थर लगे हैं। आंसू गैस छोड़कर पुलिस ने पत्थरबाजों पर लाठीचार्ज किया। 4 घंटे के बाद स्थिति को नियंत्रण में किया गया। पुलिस ने इलाके को सील करते हुए अब पत्थरबाजों को गिरफ्तारी शुरू कर दी है। इसके लिए एक सूची भी बनाई है। इस घटना में कई संगठनों की साजिश होना बताया जा रहा है। ADG प्रेम प्रकाश ने बताया कि इस हिंसक घटना में वामपंथियों और कई संगठनों का नाम सामने आ रहे हैं। खासतौर पर अटाला के बड़ी मस्जिद के इमाम की तलाश की जा रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। 10 ऐसे लोगों की सूची बनाई गई है जो किसी राजनीतिक दल संगठन से जुड़े हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।